नोट। देखो बच्चों, सब लोग इधर कंसंट्रेट करो, सब लोग इधर कंसंट्रेट करो, बतियाओ नहीं बस। ओए नोट बहुत जरूरी, नोट जब बताएं बहुत कंसंट्रेट करो। देखो इतना याद रखना बच्चों, फिजिक्स में कभी भी चीजें डिवाइड हो तो माइंडसेट पहले बनेगा स्लोप का, और अगर मल्टीप्लाई हो तो माइंडसेट बनेगा एरिया का। आपको ये मोशन इन वन डायमेंशन में मैंने बतला चुके हैं, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई के होके निकलता है और स्लोप डिवाइड होके। इंपल्स का फॉर्मूला है क्या? तो फोर्स इंटू डीटी, बोलो है कि नहीं है? यहां पे जो हमारा फॉर्मूला है मल्टीप्लाई हो रहा है तो निकलेगा क्या बच्चों? एरिया। तो मिलेगा क्या? इंपल्स। बोलो सही है। तो हमारा ग्राफ किसके बीच बनेगा? फोर्स और टाइम के बीच। किसके बीच बनेगा? फोर्स और, तो हम बोल सकते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। गिव्स क्या? इंपल्स। लिख लीजिएगा इतना, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स क्या? इंपल्स। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स क्या? इंपल्स। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स क्या? इंपल्स। ठीक है, चलो दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या निकालेंगे? किसका निकालेंगे? मिलेगा क्या? ठीक है, एरिया निकलेगा फोर्स टाइम का, मिलेगा क्या? इंपल्स। अब एक क्वेश्चन करा जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं? लिखिए, एक सबसे पहले एक एसएल अरोरा का एक हम 8 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो। तीन क्वेश्चन ग्राफ का करा देंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, तीन क्वेश्चन ग्राफ से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो तीन क्वेश्चन, लिख लो, फाइंड द इंपल्स। क्या लिख लो बच्चों? फाइंड द इंपल्स। क्वेश्चन में लिख लो फाइंड द इंपल्स, और ये हमारा ग्राफ है, ये एस एल अरोरा का 8 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.14। ठीक, अब चलो ये है, ध्यान से देखिए, ये दिया है 1800, ये बी है, ये फोर्स का ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम है, किसके वर्सेस है? तो इसका मतलब ये 1800 क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा बच्चों? ये दिया है 1200 न्यूटन। कितना दिया है? 1200। उसके बाद ये दिया है 600 न्यूटन। ठीक है, और ये पॉइंट दिया है 1.5, और ये पॉइंट दिया है 2। ठीक है, और ये दिया है 1, ये कितना होगा? 0। और ये पॉइंट दिया है 2.1, और ये क्या है? इधर की सारीज वैल्यू सेकंड में होगी, और इधर की सारीज वैल्यू किस में होगी? न्यूटन में। तो क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द इंपल्स, फाइंड द इंपल्स। तो बच्चों इंपल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ है क्या? तो कहोगे सर ये तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो सही है। तो अब हम अगर एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वैसे एरिया को आप कहोगे क्या? इंपल्स। क्यों कहोगे एरिया? क्योंकि फोर्स और किसके बीच है? टाइम के बीच। एरिया ट्रायंगल का कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बोलो होगा कि नहीं? अब बच्चों बेस लाइन अगर पूरे ग्राफ की देखो, बेस लाइन, तो ये ग्राफ 1 से शुरू हुआ है, गया कहां तक है? 2.5। तो 1 से शुरू हुआ है, 2.5 तक गया, तो ये पूरा एक तरीके से कितना हुआ? 1.5। बोलो होगा कि नहीं होगा? इतना बेस कितना होगा? 2। देखो यहां तक 2.5 है, अभी यहां तक कितना है? 2. और ये कितना है? 1। तो 2.5 में 1 घटाओगे तो ये कितना आएगा? 1.5। तो बेस लाइन समझ में आया कितना होगा? 1.5। तो हम बेस को क्या लिखे? 1.5।
और हाइट हमारी कितनी है, ये पूरी हाइट है। तो देखो ये कितना है बच्चों, 1800, कितना है 1800, तो ये क्या लिखोगे 1800। तो 1.5 को बोलोगे 3/2, कितना बोलोगे 3/2, बोलो सही है। 2 से काटोगे कितना आएगा 9, फिर 9 से काटोगे तो पूरा तो नहीं कटेगा, ये बचे 90 कटेगा तो कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45, ठीक थोड़ा सा अलग से। तो 3 × 450 बोलो होगा, तो 300 3 5 कितना 15, 1 कैरी 12 और कितना न्यूटन सेकंड, क्या होगा न्यूटन सेकंड। तो मेरा आंसर कितना होगा 1350, कितना होगा 13, आसान है ना, लिख डालो। क्या है ग्राफ, ये दिया है ग्राफ, ये दिया है, ये दिया है 4 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, ये है 1 न्यूटन, ऐसे करते करते 0 तक, ये फोर्स है और ये क्या है टाइम है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या 5, ये ग्राफ दिया। अब इसी ग्राफ से तुम्हें खेलना है। बच्चों एक काम करो, सब लोग आप लोग ट्राई करो, इसका एरिया ही तो निकालना है, सब लोग एरिया निकालो, ठीक है। ट्रपीजियम है, हाँ ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम एरिया निकालिए, आपका पहला आंसर आ जाएगा, निकालो। फॉर्मूला ट्रपीजियम का फॉर्मूला देखो, जिनको नहीं पता हो देखो, ये बीच की हाइट होती है, ये ए और ये क्या बी, तो होता है हाफ ए प्लस बी इंटू बीच का सेपरेशन हाइट, ये एरिया होता है ट्रपीजियम का। और जिनको नहीं पता हो वो एक ट्रायंगल निकाल लो, एक रेक्टेंगल निकाल लो और एक ट्रायंगल निकाल लो, ऐसे भी जो लोग कर सकते हैं जिनको विश्वास ना हो अपने ऊपर। सही है, कितना है 12, ठीक बच्चों। ओए ये 2 से 3 है, ये 2 से क्या है, तो 2 से 3 तक जाने में कितना लगा होगा 1, और ये लाइन बेस वाली लाइन कितनी है 5 है, बेस वाली लाइन कितनी है 5 और हाइट वाली लाइन कितनी है 4। तो बच्चों एरिया को बोलोगे इंपल्स, एरिया को क्या बोलोगे इंपल्स, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ए प्लस बी कितना है, ए तुम्हारा ये हो गया, बी तुम्हारा 5 हो गया और हाइट कितनी हुई 4, तो 5 और 1 6 होगा, 6 से 2 काटोगे तो कितना होगा 3, 3 × 4 कितना आंसर 12 न्यूटन सेकंड आंसर, लिख लो। अरे भैया एरिया इंपल्स है, मीटर स्क्वायर ना होगा वो वाला, मतलब बह गया उसमें प्रवाह में है कि नहीं, हो जाता है, हो जाता है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। आ गया बच्चों, एक हमसे चीज पूछा है और वेलोसिटी, क्या पूछा है वेलोसिटी, आप कैसे निकालेंगे बच्चों वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है फाइनल वेलोसिटी, देखा जाए कैसे निकलेगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, हाँ कैसे निकलेगा भाई वेलोसिटी, वी कहां से निकाला जाए, कोई जुगाड़, कोई जुगाड़ है भैया, कैसे किया बताओ भैया, हाँ इंपल्स इज इक्वल टू कितना है, मेरे पास तो जुगाड़ है, बोलो सही, इंपल्स कितना आया है, ठीक, फोर्स क्या होता है, इनटू क्या है ये, ठीक, मास कितना है, हट यहां लिखेंगे नहीं क्या, मास कितना है, मास 2, बोलो है कि नहीं है, कंफर्म, 2 से 12 कटा कितना आया 6,
तो एरिया इनटू टाइम को बोलते क्या हो आंसर? अभी वेलोसिटी इक्वल टू 80 होता है, 80 कितना हो गया वेलोसिटी? चलो लिख लो,